नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन कमोडिटी बाजार के कारोबारी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और आज कमोडिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉलर में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं उनमें यहाँ पे एक नरमी बनी है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर ये जो गोल्ड अभी ट्रेड करता नज़र आ रहा है वो $1,847 पर है और सिल्वर $21.60 पर। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यहाँ पर एक फ्लैट प्राइसेस के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के बीच जब डॉलर इंडेक्स और डॉलर में उठापटक हो और मार्केट हाई वॉलेटिलिटी के देखने को मिल रही हो मार्केट के अंदर, तो ऐसे मुनाफा कैसे सुनिश्चित किया जाए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स हो गया, यूएस डॉलर हो गया, फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग्स हो गई, फेड के जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ाना हो गया, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी गोल्ड सिल्वर की जो मार्केट है, बुलियंस की मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है वो कौन सी रणनीति होनी चाहिए जो ऐसी सिचुएशन में अभी मुनाफा सुनिश्चित कर दे? मतलब सोने और चांदी की बात है, ऊपरी स्तरों से एक बार वापस से मार्केट जो है वो घुसले थे, वहां से रिकवरी देखने को मिली है और एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि सेफ हेवन डिमांड जो है वो पिकअप होते हुए दिखाई दिया। और इस वजह से सोने के अंदर आज हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों में एक बार फिर से $1,846 पर सोना कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में वही रेंज अभी फिलहाल समझ में आ रही है कि बनती हुई दिखाई दे सकती है, $1,800 से लेकर $1,860 की रेंज इंटरनेशनल मार्केट में बनती हुई दिखाई दे सकती है। एज यूजुअल मैं अभी भी यही बोलूंगी कि सोने के अंदर निचले स्तरों पर बाइंग की भी रणनीति होनी चाहिए। आगे चलकर सोना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग में रहना चाहिए। और जहां तक इंट्राडे की बात है, इंट्राडे में भी एक्सपेक्टेड है कि आज 51,200 तक ऊपर में मार्केट जा सकता है और नीचे में 50,800 का एक स्टॉप लॉस लेकर इसमें बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। मुझे लगता है कि सोने के अंदर आने वाले दिनों में 51,200 से 51,500 का स्तर देखने को मिल सकता है इस दो ट्रेडिंग सेशन में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी 61,500 से लेकर 61,600 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। नीचे में 60,800 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पर भी चांदी में बाय करके चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड ऑयल तो हमने देखा था कि ब्रेंट और WTI दोनों ही $120-$122 पर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि शार्प करेक्शन देखने को मिला है। WTI $160 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 पर। रूपा जी, पहले तो आउटलुक ये देखने को मिल रहा था कि मार्केट में क्रूड की जो डिमांड है वो सप्लाई के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बढ़त बनती हुई देखी थी, तो अब ये जो अचानक से शार्प करेक्शन बनी है इसके पीछे के रीज़न क्या है? देखिए, अभी जो है प्रोडक्शन जो है उसको लेकर भी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और अभी हम देख रहे हैं कि जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो वो 7 लाख बैरल्स पर डे देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 1 लाख से 1.5 लाख बैरल पर डे होता था। अभी थोड़ा सा उसमें भी जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है और अभी जो है इन लेवल्स के ऊपर इतनी स्तरों पर डिमांड कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंसर्न को लेकर ऑयल प्राइसेस जो है उतनी तरह से फिसलते हुए दिखाई दिए हैं। और चाइना में भी इम्पोर्ट जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और अभी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्राइसेस जो है $100 नीचे में अगर ब्रेक नहीं करता है तो वापस से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि $100 का लेवल सस्टेन रह सकता है और ऊपर में $100 से लेकर $120 की रेंज फिलहाल तक के टाइम में बनी रह सकती है। आज इंट्राडे में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। तो इंट्राडे में एक्सपेक्टेड है कि सोना कच्चा तेल हो सकता है नीचे में 8380 से लेकर 8360 तक लुढ़कता हुआ दिखाई। जी रूपा जी, देख रहे हैं कि क्रूड की तरह नेचुरल गैस में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक समय वो था जब नेचुरल गैस $9-$9.5 पर ट्रेड कर रही थी, आज देख रहे हैं कि नेचुरल गैस $6.60 पर ट्रेड कर रही है, 4% की जोरदार गिरावट नेचुरल गैस से बनती नजर आ रही है। रूपा जी, आपके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस में जो ये शार्प करेक्शन आई है ये क्यों आई होगी? देखिए, नेचुरल गैस में इन्वेंट्रीज अच्छी खासी बढ़ करके देखने को अभी मिली है और वापस से पहले जो इन्वेंट्री कम होती हुई दिखाई दी थी और इन लेवल्स के ऊपर डिमांड जो है
मेन अहम रोल जो है यहाँ पर डिमांड का देखने को मिल रहा है। डिमांड सेक्टर अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में फिलहाल गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक स्लोडाउन को लेकर प्राइसेस के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 3.5% आज भी हम गिरावट देख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये गिरावट 500 तक नीचे आती हुई फिलहाल दिखाई दे सकती है, 480 से 500 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बेस मेटल्स में क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि आज पहले ही कारोबारी दिन, कारोबारी सप्ताह के कमोडिटी बाजार के, यहाँ पर बेस मेटल्स का बाजार कुछ कमजोरी के साथ खुला है। आपको क्या लग रहा है, क्या बेस मेटल्स में अभी हाल फिलहाल में ऐसे ही नरमी वाला रुझान देखने को मिलता रहेगा? देखिए अभी जो है पूरा मार्केट का ट्रेंड अगेन चेंज हो चुका है, वापिस से सभी कमोडिटीज के अंदर, नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बेस मेटल में भी चाइना की वजह से डिमांड कम होने की वजह से प्राइसेस के ऊपर ऊपरी स्तरों पर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर से लुढ़क चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बेस मेटल्स भी थोड़ा प्रेशर में है, कॉपर 720 तक नीचे लुढ़क सकता है, तो वहीं जिंक 300 तक नीचे आती हुई दिखाई दे। जी रूपा जी, ऐसी वॉलेटिलिटी मार्केट के दौरान आप नॉन एग्रीमेंट टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी, जिनमें ऐसी वॉलेटिलिटी में भी मुनाफा सुनिश्चित किया जा सके? देखिए मुझे लगता है कि सोना और चांदी, इन दो कमोडिटीज के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। इन दोनों में आने वाले दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक हो सकता है कि देखने को मिले। लगातार टेक्निकली सस्टेन है, मासिक 51,200 से 51,500 के टारगेट के लिए सोने में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री की।